पुस्तकालय कृष्ण भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व अध्याय 62 सा और अनिरुद्ध का मिलन। अनिरुद्ध और सा का मिलन, जिसके कारण भगवान कृष्ण और भगवान शिव के बीच एक महान लड़ाई हुई, बहुत रहस्यमय और दिलचस्प है। महाराज परीक्षित शुकदेव गोस्वामी से पूरी कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे और इस प्रकार शुकदेव ने इसे सुनाया। मेरे प्यारे राजा, आपने राजा बलि का नाम तो सुना ही होगा। वे एक महान भक्त थे जिन्होंने अपने पास जो कुछ भी था अर्थात पूरी दुनिया को दान में दे दिया, भगवान वामन को एक बौने ब्राह्मण के रूप में विष्णु के अवतार। राजा बलि के 100 पुत्र थे और उनमें से सबसे बड़ा बाणासुर था। महाराज बलि से जन्मा यह महान नायक बाणासुर भगवान शिव का बहुत बड़ा भक्त था और उसकी सेवा के लिए हमेशा तैयार रहता था। उनकी भक्ति के कारण बाणासुर ने समाज में एक महान स्थान प्राप्त किया और उन्हें हर तरह से सम्मानित किया गया। वास्तव में वह बहुत बुद्धिमान और उदार भी था और उसकी गतिविधियां सभी प्रशंसनीय हैं, क्योंकि वह अपने वादे और सम्मान के वचन से कभी विचलित नहीं हुआ। वह बहुत सच्चा और अपनी मन्नत में दृढ़ था। उन दिनों वह ओशितापुर शहर पर शासन कर रहा था। भगवान शिव की कृपा से बाणासुर की 1000 भुजाएं थीं और वह इतना शक्तिशाली हो गया कि राजा इंद्र जैसे देवता भी उसकी सबसे अधिक आज्ञाकारी सेवा कर रहे थे। बहुत पहले जब भगवान शिव अपने प्रसिद्ध अंदाज में नृत्य कर रहे थे, जिसे तांडव नृत्य कहा जाता है, जिसके लिए उन्हें नारराज के नाम से जाना जाता है, बाणासुर ने अपने 1000 हाथों से ढोल बजाकर भगवान शिव को उनके नृत्य में मदद की। भगवान शिव सुतोष बहुत आसानी से प्रसन्न के रूप में जाने जाते हैं और वे अपने भक्तों के लिए बहुत स्नेही भी हैं। वह उन व्यक्तियों के लिए एक महान रक्षक है जो उसकी शरण लेते हैं और इस भौतिक संसार में सभी जीवों के स्वामी हैं। बाणासुर से प्रसन्न होकर उन्होंने कहा, जो कुछ तुम चाहो तुम मुझसे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। बाणासुर ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय भगवान, यदि आप कृपया तो आप मेरे शहर में रह सकते हैं, बस मुझे मेरे दुश्मनों के हाथों से बचाने के लिए एक बार की बात है। बाणासुर भगवान शिव को प्रणाम करने आए। भगवान शिव के चरण कमलों को अपने हेलमेट से छूकर, जो सूर्य की दुनिया की तरह चमक रहा था, उन्होंने उन्हें प्रणाम किया। अपना सम्मान पूर्वक प्रणाम करते हुए बाणासुर ने कहा, मेरे प्रिय भगवान, जिसने अपनी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं की है, वह आपके चरण कमलों की शरण लेने से ऐसा करने में सक्षम होगा, जो कि एक इच्छा वृक्ष की तरह है, जिससे कोई भी कुछ भी ले सकता है। अरमान, मेरे प्रिय प्रभु, आपने मुझे 1000 भुजाएं दी हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका क्या करना है। वे तो बस एक बोझ हैं, मैं युद्ध में उनका ठीक से उपयोग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भौतिक जगत के मूल पिता आपके आधिपत्य के अलावा मेरे साथ लड़ने के लिए सक्षम किसी को नहीं पा सकता। कभी कभी मुझे अपनी बाहों से लड़ने की एक महान प्रवृत्ति महसूस होती है और मैं एक उपयुक्त योद्धा की तलाश में निकल जाता हूँ। दुर्भाग्य से मेरी असाधारण शक्ति को जानकर हर कोई भाग जाता है। माचिस न मिलने से व्याकुल होकर मैं अपनी भुजाओं की खुजली को पहाड़ों से मारकर तृप्त करता हूँ। इस प्रकार मैं बहुत से बड़े बड़े पर्वतों को टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। भगवान शिव ने महसूस किया कि उनका आशीर्वाद बाणासुर के लिए कष्टदायक हो गया था और उन्हें संबोधित किया, हे धूत, आप लड़ने के लिए बहुत उत्सुक हैं, लेकिन चूंकि आपके पास लड़ने के लिए कोई नहीं है, आप व्यथित हैं। हालांकि आप सोचते हैं कि मेरे सिवा आपका विरोध करने वाला दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको ऐसा सक्षम व्यक्ति अंततः मिल जाएगा। उस समय तुम्हारे दिन समाप्त हो जाएंगे और तुम्हारी विजय का झंडा फिर नहीं फहराएगा। तब तुम अपनी झूठी प्रतिष्ठा को टुकड़े टुकड़े होते देखोगे। भगवान शिव के कथन को सुनने के बाद बाणासुर, जो अपनी शक्ति से बहुत फूला हुआ था, उत्साहित हो गया कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से मिलेगा जो उसे टुकड़े टुकड़े करने में सक्षम होगा। बाणासुर तब बड़े मजे से घर लौटा और वह हमेशा उस दिन की प्रतीक्षा करता था जब उपयुक्त सेनानी उसकी ताकत को कम करने के लिए आएगा। वह इतना मूर्ख दानव था। ऐसा प्रतीत होता है कि मूर्ख आसुरी मनुष्य जब अनावश्यक रूप से भौतिक ऐश्वर्य से अभिभूत हो जाते हैं, इन ऐश्वर्यों का प्रदर्शन करना चाहते हैं और ऐसे मूर्ख लोग इन ऐश्वर्यों के समाप्त होने पर संतुष्टि महसूस करते हैं। विचार यह है कि वे नहीं जानते कि कृष्ण भावनामृत के लाभ से अनभिज्ञ होने के कारण अपनी ऊर्जा को सही कारणों के लिए कैसे खर्च करना है। वास्तव में पुरुषों के दो वर्ग हैं, एक कृष्ण भावनाभावित है, दूसरा गैर कृष्ण भावनाभावित है। गैर कृष्ण भावनाभावित पुरुष आमतौर पर देवताओं के प्रति समर्पित होते हैं, जबकि कृष्ण भावनाभावित पुरुष भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व के प्रति समर्पित होते हैं। कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति हर चीज का उपयोग भगवान की सेवा के लिए करते हैं। गैर कृष्ण भावनाभावित व्यक्ति हर चीज का उपयोग इंद्रिय तृप्ति के लिए करते हैं और बाणासुर ऐसे व्यक्ति का एक आदर्श उदाहरण है। अपनी संतुष्टि के लिए वह लड़ने के लिए अपनी असाधारण शक्ति का उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक था। कोई लड़ाका न मिलने पर उसने अपने शक्तिशाली हथियारों को पहाड़ों पर मारा, उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दिया। इसके विपरीत अर्जुन के पास भी लड़ने के लिए असाधारण शक्तियां थीं, लेकिन उसने उनका उपयोग केवल कृष्ण के लिए किया। बाणासुर की एक बहुत ही सुंदर कन्या थी जिसका नाम सा था।
जब वह विवाह की आयु प्राप्त कर चुकी थी और अपनी कई सहेलियों के बीच सो रही थी, उसने एक रात सपना देखा कि अनिरुद्ध उसके साथ था और वह उसके साथ वैवाहिक संबंध का आनंद ले रही थी, हालांकि उसने वास्तव में उसे पहले कभी नहीं देखा था या उसके बारे में नहीं सुना था। वह अपने सपने से जाग उठी और बहुत जोर से बोली, मेरी प्यारी प्यारी, तुम कहाँ हो? अपने दोस्तों के इस तरह से एक्सपोज होने के कारण वह थोड़ी शर्मा गई। साकी एक प्रेमिका चित्रलेखा थी जो बाणासुर के प्रधानमंत्री की बेटी थी। चित्रलेखा और सा घनिष्ठ मित्र थे और बड़ी उत्सुकता से चित्रलेखा ने पूछा, मेरी प्यारी सुंदर राजकुमारी, अभी तक तुमने किसी युवा लड़के से शादी नहीं की है, न ही तुमने अब तक किसी लड़के को देखा है, तो मुझे आश्चर्य है कि आप इस तरह चिल्ला रहे हैं। आप किसकी तलाश कर रहे हैं? आपका उपयुक्त मैच कौन है? चित्रलेखा की पूछताछ सुनकर सा ने उत्तर दिया, मेरे प्रिय मित्र, मैंने अपने सपने में एक अच्छा युवक देखा जो बहुत बहुत सुंदर है। उनका रंग सांवला है, उनकी आंखें कमल की पंखुड़ियों की तरह हैं और उन्होंने पीले वस्त्र पहने हैं। उसकी बाहें बहुत लंबी हैं और उसकी सामान्य शारीरिक विशेषताएं इतनी प्रसन्न हैं कि कोई भी युवा लड़की आकर्षित हो जाएगी। मुझे यह कहते हुए बहुत गर्व महसूस हो रहा है कि यह खूबसूरत युवक मुझे चूम रहा था और मैं उसके चुंबन के अमृत का आनंद ले रहा था। लेकिन मुझे आपको यह बताते हुए खेद हो रहा है कि इसके ठीक बाद वह गायब हो गया और मुझे निराशा के भंवर में डाल दिया गया है। मेरे प्यारे दोस्त, मैं अपने दिल के वांछित स्वामी इस अद्भुत युवक को खोजने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। साके शब्दों को सुनने के बाद चित्रलेखा ने तुरंत उत्तर दिया, मैं आपके शोक को समझ सकता हूँ और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि यदि यह लड़का इन तीनों लोकों ऊपरी, मध्य और निचले ग्रह प्रणालियों में है तो मुझे आपकी संतुष्टि के लिए उसे ढूंढना होगा। यदि आप उसे अपने सपने से पहचान सकते हैं तो मैं आपके लिए मन की शांति लाऊंगा। अब मैं आपके निरीक्षण के लिए कुछ तस्वीरें खींचता हूं और जैसे ही आपको अपने वांछित पति की तस्वीर मिलती है मुझे बताएं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ है, मैं उसे यहाँ लाने की कला जानता हूँ, इसलिए जैसे ही आप उसे पहचान लेंगे मैं तुरंत इसकी व्यवस्था कर दूंगा। चित्रलेखा ने बात करते हुए उच्च ग्रह प्रणालियों में रहने वाले देवताओं के कई चित्र बनाना शुरू किया, फिर गंधर्वों, सिद्धों, चरणों, पन्नागों, दैत्यों, विद्याधरों और यक्षों के चित्रों के साथ साथ मनुष्यों के कई चित्र भी। श्रीमद् भागवतम और अन्य वैदिक साहित्य के बयान निश्चित रूप से साबित करते हैं कि प्रत्येक ग्रह पर विभिन्न किस्मों के जीव हैं। इसलिए यह दावा करना मूर्खता है कि इस धरती पर कोई जीव नहीं है, लेकिन वे हैं। चित्रलेखा ने कई लोगों को आकर्षित किया। चित्रों, उन्होंने जिन मनुष्यों को आकर्षित किया उनमें वे वंश के सदस्य थे जिनमें कृष्ण के पिता वासुदेव भी शामिल थे, श्रीसेन कृष्ण के दादा, श्री बलराम जी, भगवान कृष्ण, गंभीर प्रयास। जब सांड ने प्रद्युम्न का चित्र देखा तो वह थोड़ी शर्मीली हो गई, लेकिन जब उसने अनिरुद्ध की तस्वीर देखी तो वह इतनी शर्मीली हो गई कि उसने तुरंत अपना सिर नीचे कर लिया और मुस्कुरा दी, जिस आदमी को वह ढूंढ रही थी। उसने चित्रलेखा को चित्र की पहचान उस व्यक्ति के रूप में की जिसने उसका दिल चुरा लिया था। चित्रलेखा एक महान रहस्यवादी योगी थी और जैसे ही सा ने चित्र की पहचान की, चित्रलेखा तुरंत समझ गई कि यह कृष्ण के पोते अनिरुद्ध का था, हालांकि न तो वह और न ही सा ने पहले उनका नाम जाना था और न ही उन्हें कभी देखा था। उसी रात उसने अंतरिक्ष में यात्रा की और बहुत ही कम समय में द्वारका शहर पहुंच गई, जिसे भगवान कृष्ण ने अच्छी तरह से संरक्षित किया था। उसने महल में प्रवेश किया और अनिरुद्ध को अपने शयन कक्ष में एक बहुत ही भव्य बिस्तर पर सोता हुआ पाया। चित्रलेखा अपनी रहस्यवादी शक्ति से अनिरुद्ध को उस नींद की स्थिति में तुरंत शोषितपुर शहर में ले आई ताकि सा अपने वांछित पति को देख सकें। सा तुरंत खुशी से खिल उठे और अनिरुद्ध की संगति का आनंद बड़े संतोष के साथ लेने लगे। जिस महल में सा और चित्रलेखा रहते थे वह इतनी अच्छी तरह से गढ़ा हुआ था कि किसी भी पुरुष के लिए प्रवेश करना या अंदर देखना असंभव था। सा और अनिरुद्ध एक साथ महल में रहते थे और दिन पर दिन अनिरुद्ध के लिए सा का प्यार चार गुना बढ़ता गया। शाह ने अनिरुद्ध को बहुमूल्य वस्त्र, फूल, माला, सुगंध और धूप से प्रसन्न किया। उनके बेडसाइड बैठने की जगह के पास आवासीय उद्देश्यों के लिए अन्य सामान थे, दूध और शरबत जैसे अच्छे पेय और अच्छे खाने योग्य जिन्हें चबाया या निगला जा सकता था। इन सबसे बढ़कर उसने उसे मीठे शब्दों और बहुत ही आवश्यक सेवा से प्रसन्न किया। शाह ने अनिरुद्ध की पूजा की जैसे कि वे भगवान के सर्वोच्च व्यक्तित्व थे। अपनी उत्कृष्ट सेवा से सा ने अनिरुद्ध को अन्य सभी चीजों को भुला दिया और बिना किसी विचलन के उनका ध्यान और प्रेम उनकी ओर आकर्षित करने में सक्षम थे। प्यार और सेवा के ऐसे माहौल में अनिरुद्ध व्यवहारिक रूप से खुद को भूल गया और याद नहीं कर सका कि वह अपने असली घर से कितने दिन दूर रहा था। समय के साथ सा ने कुछ शारीरिक लक्षण प्रदर्शित किए जिससे यह समझा जा सकता था कि वह एक पुरुष मित्र के साथ संभोग कर रही थी। लक्षण इतने प्रमुख थे कि उसके कार्यों को अब किसी से छुपाया नहीं जा सकता था। अनिरुद्ध की संगति में साशा सदा प्रसन्न रहती थी और वह अपनी संतुष्टि की सीमा को नहीं जानती थी। गृहस्वामी और महल के रखवाले बहुत आसानी से अनुमान लगा सकते थे कि उसके एक पुरुष मित्र के साथ संबंध थे और आगे की घटनाओं की प्रतीक्षा किए बिना उन सभी ने अपने स्वामी बाणासुर को सूचित किया।
वैदिक संस्कृति में एक अविवाहित लड़की का पुरुष के साथ संबंध होना परिवार का सबसे बड़ा अपमान है, और इसलिए देखभाल करने वालों ने सावधानी से अपने गुरु को सूचित किया कि सा एक अपमानजनक संगति का संकेत दे रहे थे। दासों ने अपने स्वामी को सूचित किया कि वे घर की रखवाली में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करते थे और किसी भी जवान आदमी के खिलाफ दिन रात सतर्क रहते थे। वे इतने सावधान थे कि एक पुरुष भी नहीं देख सकता था कि वहां क्या हो रहा है, और इसलिए वे आश्चर्यचकित थे कि वह दूषित हो गई थी। चूंकि वे इसका कारण पता नहीं लगा सके, इसलिए उन्होंने सारी स्थिति अपने स्वामी के सामने प्रस्तुत कर दी। बाणासुर यह जानकर चौंक गए कि उनकी बेटी सा अब कुंवारी कन्या नहीं रही। यह बात उसके हृदय पर भारी पड़ी और वह बिना देर किए उस महल की ओर दौड़ पड़ा जहां सा रह रहे थे। वहां उन्होंने देखा कि सांड और अनिरुद्ध एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे। वे एक साथ बहुत सुंदर लग रहे थे। अनिरुद्ध प्रद्युम्न के पुत्र थे जो स्वयं कामदेव थे। बाणासुर ने अपनी बेटी और अनिरुद्ध को एक उपयुक्त जोड़ी के रूप में देखा, फिर भी पारिवारिक प्रतिष्ठा के लिए उन्हें यह संयोजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। बाणासुर समझ नहीं पा रहा था कि वह लड़का वास्तव में कौन था। उन्होंने इस तथ्य की सराहना की कि सा तीन लोगों में से किसी को भी अधिक सुंदर नहीं चुन सकते थे। अनिरुद्ध का रंग शानदार और सांवला था। उन्होंने पीले वस्त्र पहने थे और कमल की पंखुड़ियों की तरह उनकी आंखें थीं। उसकी बाहें बहुत लंबी थीं और उसके अच्छे घुंघराले नीले बाल थे। उसके झिलमिलाते झुमके की चमकीली किरणें और उसके होठों पर सुंदर मुस्कान निश्चय ही मन मोह ले रही थी। फिर भी बाणासुर बहुत क्रोधित था। जब बाणासुर ने उसे देखा, अनिरुद्ध सा के साथ खेलने में लगे हुए थे। अनिरुद्ध अच्छी तरह से तैयार थे और सा ने उन्हें विभिन्न सुंदर फूलों की माला पहनाई थी। महिलाओं के स्तनों पर लगाया गया लाल कुशकुमाचून माला पर इधर उधर देखा गया था। यह दर्शाता है कि सा ने उसे गले लगाया था। बाणासुर को आश्चर्य हुआ कि उनकी उपस्थिति में भी अनिरुद्ध शांति से सा के सामने बैठे थे। हालांकि अनिरुद्ध जानता था कि उसका होने वाला ससुर बिल्कुल खुश नहीं था और वह उस पर हमला करने के लिए महल में कई सैनिकों को इकट्ठा कर रहा था। इस प्रकार कोई अन्य हथियार न पाकर अनिरुद्ध ने लोहे की एक बड़ी छड़ को पकड़ लिया और बाणासुर और उसके सैनिकों के सामने खड़ा हो गया। उसने दृढ़ता से यह संकेत दिया कि यदि हमला किया गया तो वह सभी सैनिकों को लोहे की छड़ से जमीन पर गिरा देगा। बाणासुर और उनके सैनिकों की टीम ने देखा कि लड़का उनके सामने अपनी अजेय छड़ी के साथ मृत्यु के अधीक्षक की तरह खड़ा था। अब बाणासुर के आदेश के तहत सभी पक्षों के सैनिकों ने उसे पकड़ने और गिरफ्तार करने का प्रयास किया। जब उन्होंने उसके सामने आने का साहस किया तो अनिरुद्ध ने उनके सिर पैर हाथ और जांघों को तोड़ते हुए लाठी से मारा और वे एक के बाद एक जमीन पर गिर पड़े। उसने उन्हें वैसे ही मार डाला जैसे सुअ के झुंड का नेता एक के बाद एक भौंकने वाले कुत्तों को मारता है। इस तरह अनिरुद्ध महल से भागने में सफल रहे। बाणासुर युद्ध की विभिन्न कलाओं को जानता था और भगवान शिव की कृपा से वह जानता था कि नागपाण सांप फन के उपयोग से अपने दुश्मन को कैसे गिरफ्तार किया जाए, और इस तरह उसने महल से बाहर आते ही अनिरुद्ध को पकड़ लिया। जब सा को खबर मिली कि उसके पिता ने अनिरुद्ध को गिरफ्तार कर लिया है तो वह दुख और भ्रम से अभिभूत थी। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और अपने आप को न देख पाने के कारण वह जोर जोर से रोने लगी। इस प्रकार कृष्ण के 62वें अध्याय का भक्ति वेदांत का अर्थ समाप्त होता है। सा और अनिरुद्ध का मिलन।